एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लांट केयर विद सहर। आज मैं आपको बेबी सनरोज के बारे में बताती हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने आपको इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी और मैंने इसको अपलोड की थी, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बेबी सनरोज की कटिंग को कटिंग से लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं। इसका जो फ्लावर होता है वो दो कलर्स के होते हैं, मर्जेंटा कलर होता है, पिंक कलर का होता है और येलो कलर का होता है। देखिए, ये हैंगिंग पॉट में मेरा लगा हुआ है, ये हमेशा नीचे की तरफ झुकता है और उसी की एक शाख में लगा काट के मैंने इस वाले पॉट में लगाया था और ये भी कितनी जल्दी ये ग्रो हो गया है। तो ये देखें, इसका जो ये कितना छोटा सा है, लेकिन अब इसके जो है ना ये नीचे की तरफ झुकेगा और ये बहुत बेइंतहा खूबसूरत प्लांट होता है, बिल्कुल ग्रीन होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ना इसको खूबसूरती के लिए इंसान घर में लगाता है। और ये देखिएगा, अब इसमें से मैं ये बताऊंगी कि इसमें से एक शाख में काटूंगी, काट के और फिर मैं आपको एक पॉट में लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये खूबसूरती। अच्छा, इसका जो पानी होता है, इसको पानी इतनी ज़्यादा शदीद ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका जो पत्ता होता है इसको भी आप थोड़ा सा हाथ से तोड़ेंगे तो उसमें भी पानी नज़र आएगा। अच्छा, अब देखिए, मैंने एक हेल्दी इसकी शाख काट ली है, ब्रांच काट ली, और इसके वो पत्ते जो कि मैं मिट्टी में लगाने हैं उससे ऊपर वाले पत्ते मैंने काट दिए हैं, क्योंकि अगर वो पत्ते मिट्टी में लगेंगे तो उसमें फंगस लग जाएगा। आप ये देखें, ये देखें ये नॉट्स हैं जो मैं हमेशा से आपको बताती हूँ। ये नॉट्स ही हमें, ये जड़ होते हैं, इसी के ज़रिए पौधा जो होता है वो ग्रो होता है। अब ये देखिए, मैंने पहले से पॉट को तैयार किया हुआ है जो हमेशा की तरह मैं करती हूँ। ये मैंने इसको इसके अंदर डाल के और मैंने इसको बिल्कुल ही, ये देखें जो ऊपर आ रही है मैंने उसको बंद कर वो काट दिया है। और अब मैं मिट्टी बराबर करूँगी। इसकी मिट्टी जो थी अब मैंने अपनी ही क्या कहते हैं प्लांट में से, अपने पॉट में से निकाल के मैंने इसके अंदर लगा लिया था। आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।